इमिटेट करते हैं और इंदिरा गांधी का जो प्लेबुक है द प्लेबुक शी रोड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मोस्ट पीपल मोस्ट नेताज टुडे आर इमिटेटिंग हर आई वुड से नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया To me, is a big bhakt of Indira Gandhi because he seems to be following exactly her kind of politics. आपने नरेंद्र मोदी जी से इंदिरा गांधी का comparison किया, but is that not a bit unfair? Because इंदिरा गांधी ने तो emergency impose करी थी, पूरा constitution suspend कर दिया था, 1971 से 77 के बीच में 36 state governments ही dismissed. So ये कहना कि मोदी इंदिरा गांधी नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी इंदिरा गांधी की तरह है मैं ये कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति करते हैं वो इंदिरा गांधी से इंस्पायर होके करते हैं एक तरह के जो जो भी राजनीति के अंदर जो दबंग लीडर बनना चाहता है जो सुप्रीमो बनना चाहता है जैसे जयललिता नीतीश कुमार ममता बनर्जी यू नो ऑल द सुप्रीमो लीडर्स ऑफ इंडिया दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी पर इसीलिए मैंने मोस्ट पावरफुल बोला है इंदिरा गांधी को क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया और जिस तरह से पावर पॉलिटिक्स उन्होंने खेला ये एक फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में हम देखते हैं कि पावर पॉलिटिक्स किस तरह से खेलते हैं एंड शी वॉज अ वुमन सो थिंक अबाउट टू थिंग्स रियली अच्छा ये बताइए कि इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी उनसे राहुल गांधी क्या सीख सकते हैं राहुल गांधी को अपनी दादी के बारे में बहुत पढ़ना चाहिए यू नो ही शुड स्टडी हिज दादीज पॉलिटिक्स ही शुड स्टडी हिज दादीज लाइफ ही शुड स्टडी द वे दादी डिड पॉलिटिक्स अगर वो अब इस तरह दादी की तरह अगर पॉलिटिक्स खेलते तो शायद कांग्रेस का जो आज हाल है वो नहीं होता अगर राहुल गांधी थोड़ा सा अपना दादी से कुछ सीखते बट आई थिंक राहुल गांधी हैज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इंदिरा गांधी